नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। रविवार की सुबह गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पंजाब के मोगा में रोडेवाल गुरुद्वारे को जो है वहां पहुंच करके श्रद्धालुओं को संबोधित किया। गुरुद्वारा के सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह रोडे ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह शनिवार रात को ही गुरुद्वारा पहुंच गया था। उसने खुद पुलिस को अपनी मौजूदगी के बारे में फ़ोन कर सूचित किया और कहा कि वो रविवार की सुबह 7 बजे आत्मसमर्पण करेगा। अमृतपाल 18 मार्च से फरार था। उसके करीबी पापलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद 11 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया गया था। अमृतपाल को भी इसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद सभी से वहां पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जेल ब्रेक की संभावना जताई थी। इसके बाद इन्हें असम में रखने का फैसला किया गया। पंजाब और दिल्ली पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने 18 अप्रैल को वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के दो और सहयोगियों को पंजाब के मोहाली में गिरफ्तार किया था। 15 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उसके करीबी सहयोगी जोगा सिंह को फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद से गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि कट्टरपंथी उपनिदेशक अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा जिले से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस पर रासुका लगा हुआ है और उसे डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक के खिलाफ पहले ही सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया हुआ है। पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद से वो फरार था। अमृतपाल और उसके साथियों पर विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने, हत्या का प्रयास करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और लोक सेवकों के काम में बाधा पैदा करने से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमृतपाल के मामले में अब पुलिस की अगली कार्रवाई क्या रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।